बोकारो को लाल वारंटी, दानिश समेत 3 गिरफ्तार, 13 लूटकांड का उद्भेदन, दानिश पर लूट के 40 मामले दर्ज। लूटकांड की योजना बनाते धनबाद पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से 13 लूटकांड का उद्भेदन हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि बोकारो के शातिर अपराधी दानिश, जो कि लाल वारंटी रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीण एसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी दानिश पर लूटकांड के 40 मामले दर्ज है। गिरफ्तार अपराधी दानिश के अलावे रिजवान और भोला कुमार दास की गिरफ्तारी हुई है। तीनों बोकारो के निवासी हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 3 राउंड गोली, घटना में प्रयुक्त बाइक और लूटा गया बाइक तथा 150 रुपये नकद बरामद किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मूल रूप से इन आरोपियों का मकसद राहगीरों से लूटपाट करना है और हाल के दिनों में ही बागमारा अनुमंडल में सक्रिय रहे, जिनकी धरपकड़ के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें बागमारा एसडीपीओ के नेतृत्व में कतरास, तेतुलमारी, ईस्ट बसुरिया के थाना प्रभारी शामिल थे। सूचना के आधार पर छापेमारी कर सभी को पकड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से धनबाद जिले के अंतर्गत बागमारा अनुमंडल में स्पेशली कई लूट की घटनाओं को अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। कई घटनाओं के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें कि कतरास थाना प्रभारी, ईस्ट बसुरिया थाना प्रभारी, तेतुलमारी थाना प्रभारी, कतरास थाना के विभिन्न पदाधिकारी के साथ कई लोग पिछले कई दिनों से छापेमारी में लगे हुए थे। इसी क्रम में 21/10/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो लूट के करने वाले अपराधकर्मी हैं, एक जगह लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद एक जांच अभियान चलाया गया। जांच अभियान के क्रम में एक बाइक से कुछ अपराधकर्मी पकड़े गए, जिनका जब संदिग्ध अपराधकर्मियों की जब सर्च किया गया तो उनके पास से कुछ अवैध हथियार बरामद किए गए। इन अपराधकर्मियों में दानिश और फख्तर, जो कि बोकारो जिले का रहने वाला है, ये गिरफ्तार हुआ। इन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में जो पिछले कई लूट की घटनाएँ हुई थी, जो कि कतरास थाना क्षेत्र में जो लेटेस्ट घटना है वो 6 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कि एक फ्लिपकार्ट के एजेंट से उसका बाइक तथा कुछ उसका सामान था वो लूट लिया गया था। इसके अलावा जो कतरास थाना क्षेत्र में कई और भी घटनाएं हुई थी, कतरास थाना क्षेत्र में 5 घटना, जोगता थाना क्षेत्र में 2 घटना, ईस्ट बसुरिया में 1 घटना, इसके अलावा बोकारो जिले में भी अन्य लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान पे के आधार पर जो सामान रिकवर किया गया तथा कुछ अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि बोकारो जिले के 3 अपराधकर्मियों की अभी तक टोटल गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक दानिश बीटीपीएस थाने का, रिजवान तेनुघाट टोपी का और भोला कुमार दास माराफारी थाना बोकारो, इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद अभी तक के अनुसंधान में 13 कांडों का उद्भेदन हुआ है, जिसमें कि विभिन्न अलग अलग तरह के लोगों से, जिसमें माइक्रो फाइनेंस के रिकवरी एजेंट, व्यापारियों या फिर राहगीरों के साथ इन लोगों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अभी इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कुछ अन्य अपराधी भी जो भागे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द करी जाए। हथियार की बरामदगी जो हुई है, इसमें आपका 3 देसी कट्टा बरामद हुए हैं तथा इसके साथ .315 बोर का जिंदा 3 राउंड बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त की गई बाइक थी, जिसके द्वारा ये लूट की घटना को अंजाम देते थे, वो बाइक भी रिकवर हुई है। इसके अलावा जो रिसेंटली फ्लिपकार्ट एजेंट से जो बाइक की लूट की घटना हुई थी, वो बाइक भी हम लोगों के द्वारा रिकवर की गई है। पेशेवर क्रिमिनल हैं, जैसे कि बता दे रहे हैं कि जो इनमें से एक अपराधी है दानिश, इसके खिलाफ 40 से ज़्यादा मामले हैं। ये बोकारो जिले का रेड वारंटी था, जो कि पिछले कई सालों से फरार था। इसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, और जो कि पेशेवर क्रिमिनल है, इस थाने में ही छुप के रह रहा था। ये कि